I'm Ravikant Snehi and I welcome you to my YouTube channel Royal and Vivid Physics Classes. और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्कूल सिलेबस के लिए एज वेल एज कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक JEE, NEET इन सभी के लिए या फिजिक्स ओलंपियाड के लिए KVPI के लिए जो भी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है वी आर गोना डू ऑल दैट पार्ट. सो टुडे आई एम गोना टेक ऑन अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज वर्क वर्क डन बाय अ फोर्स. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वर्क डन तभी कहते हैं व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स. सो अभी 11th में आने के बाद बिकॉज यू हैव डन वेक्टर्स एज वेल तो आपको एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए. अगर हम वर्क डन बाय ए फोर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो देयर शुड बी ए कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट parallel to the force. I am not saying that whole of the displacement is needed to be parallel to the force. If it is, that's okay, then the work is done. But on a broader perspective, what is required is ki force or displacement ke beech mein kuch angle define hoga जो कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका कॉम्पोनेंट डिफाइन नहीं किया जा सकता. अगर इस तरीके से देखें, आई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है से एफ एंड देयर इज एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. और सोचिए यहां पर कुछ ऐसी कंपल्शन है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो सकता है. सपोज कीजिए इट डिस्प्लेसेस थ्रू एस, यहां तक डिस्प्लेस होके आ गया, तो आप क्या समझेंगे, जिधर आपने फोर्स अप्लाई करी एग्जैक्टली उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं आई है, बट आप डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन करनी है, कॉन्सेप्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि जो वर्क है, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस सम डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन. सो टेक्निकली इट मे बी द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन बिकम्स इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स. डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स. तो देखते हैं, आपने एफ लिखा, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज थीटा. सो व्हाट वी कैन डू इज मल्टीप्लाइड बाय एस कॉस थीटा. तो यहां पे इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि आप सब वेक्टर्स के अंदर रिजॉल्व करना सीख चुके हैं. जिस भी डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है वहां पर कॉस आ जाता है. सो एफ इन टू एस इन टू कॉस थीटा. सो माय डियर, वर्क डन बिकम्स इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, इजंट इट? सो इसे फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो बहुत बहुत फिर से कहूंगा कि एक छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी बार यूज होता है फिजिक्स के अंदर. मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू हम वेक्टर्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं. वो मल्टीप्लीकेशन दो तरह का डिफाइन होता है. अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट और अ स्केलर प्रोडक्ट. जबकि अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. तो इसके पीछे की कहानी सारी तो भी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट वर्क. तो मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि फिजिक्स के अंदर हमें एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुई. आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को फोर्स के पैरेलल लेके जाना था और फिर मल्टीप्लाई करना था, या फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लेके आना था और फिर मल्टीप्लाई करना था. तो जब ऐसा करते हैं तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी अ स्केलर, जैसा कि आपने देखा वर्क. सो एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. जब आपने दोनों के एक ही डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया व्हाट यू गॉट वाज अ स्केलर. सो अल्टीमेटली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बिकम्स इक्वल टू एफ डॉट एस, राइट? और जो हमने ये लिखा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स. अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है. तो देखते हैं यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो इसी को ढंग से एलैबोरेट करते हैं. लुक एट दिस, अगर मैं ये कहना चाहूं कि वर्क डन कब जीरो होगा तो उसकी कंडीशन मुझे यहीं से मिलने वाली है. वर्क डन विल बी जीरो इधर एन, देखिए वर्क डन विल बी जीरो इधर व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, या तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो. यानी आपने क्या किया, एक वॉल के ऊपर आप फोर्स लगाए जा रहे हो, वॉल तो हिल नहीं रही है. तो वॉल अगर हिल ही नहीं रही है तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा,
zero. So force was applied but could not produce any displacement, so the work done came out to be zero. Similarly, my dear, अगर displacement हो तो रही है, लेकिन देखिए ध्यान से, cos of theta जो है वो zero हो जाता है, cos theta zero हो जाता है. आप जानते हैं cos theta zero कब होगा? When theta is equal to 90 degree. यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे नाइन्थ में आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा, एक कुली कैरी सर्टन वेट ऑन हेड, तो कुली वेट कैरी करके ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाई हुई है वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो आ जाएगा. सो Whenever force and displacement are mutually perpendicular, work done comes out to be zero. तो ये एक छोटा सा लेक्चर बना रहा हूं मैं, और इसका बेसिक पर्पज क्या है कि हर बच्चा ये समझ पाए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. उसे फाइंड करने के लिए आपको फोर्स के बारे में दो चीजें सोचनी पड़ती हैं, या तो फोर्स कॉन्स्टेंट होगी या फिर फोर्स वेरिएबल होगी. अगर हम कॉन्स्टेंट फोर्स डिस्कस करते हैं तो सीधा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस आ जाता है. एफ डॉट एस के अंदर अगर आप उसको कंप्लीट ओपन करते हैं तो एफ एस कॉस थीटा बन जाता है. जहां पे बहुत जरूरी है कंडीशन डिस्कस करना कि वर्क डन कब जीरो होगा. वर्क डन जीरो तब होगा जब या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी या कॉस थीटा जीरो होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, इसके साथ साथ ये भी तो समझा जा सकता है ना, व्हेन इज वर्क डन पॉजिटिव एंड व्हेन इज इट नेगेटिव. तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव को कंट्रोल करेगा कॉस थीटा. देखिए ध्यान से, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो इफ कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन जीरो. और आप जानते हैं कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है. सो माय डियर, थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. थीटा जब तक 90 डिग्री से कम होगा यानी एक्यूट होगा तब तक वर्क डन पॉजिटिव होगा. जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया है, एक फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट हैज बीन शोन टू बी एक्यूट. सो याद रखें अच्छे से कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एक्यूट एंगल होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे होंगे और वहां पर कॉस पॉजिटिव हो जाता है, सो वर्क डन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. फाइन, इसी तरह से वर्क डन को नेगेटिव कब बोल सकते हैं? वर्क डन विल बी लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव. व्हेन माय डियर कॉस ऑफ थीटा इज लेस देन जीरो, दैट इज कॉस इज नेगेटिव. कॉस नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा. तो सिंपल है भाई, या तो एंगल एक्यूट होगा या एंगल 90 डिग्री होगा या फिर एंगल ऑब्ट्यूज होगा. तो अगर एंगल एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव है, एंगल 90 है तो वर्क डन जीरो है, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया है तो वर्क डन डेफिनेटली इज गोना बी नेगेटिव. अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये वर्क डन तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सभी कुछ आ रहा है, क्योंकि उनको दिमाग में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट कि भाई डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दे जस्ट यू नो have a little confusion कि सर वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ आ रहा है फिर भी ये स्केलर है. जी हाँ, बिल्कुल इस बात को समझ के रखिए. और हाँ, एक काम जरूर करना भाई, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और यू वॉन्ट फर्दर notifications, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल रॉयल एंड विविध फिजिक्स क्लासेस. आई टोल्ड यू विल बी डीलिंग विद दी सीबीएसई पार्ट, स्कूल सिलेबस पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट एज वेल एज कॉम्पिटेटिव सेक्शन. सो यूल बी गेटिंग लॉट ऑफ फीड फ्रॉम माई साइड. सो देखिए फिर ध्यान से, आपको मैंने बताया कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होने के बावजूद भी हम क्या बोलते हैं? स्केलर. सो यस, देयर नंबर ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं. ठीक है, क्लैरिटी रखनी है, बट मेन मुद्दा क्या है? वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है. अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, चाहे आपने उसको नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कहीं पे भी डिस्प्लेस किया, आप कभी ये नहीं बताएंगे आई हैव डन वर्क इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. वर्क डन इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हूज एस आई यूनिट इज जूल. वर्क की एस आई यूनिट क्या होती है? जूल. और जानते होंगे आप वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग है, ERG. तो ये आपने पढ़ा होता है जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होते हैं और कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम करते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्टली सबने किया होता है कि कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग. तो आपको याद भी होगा वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग होता है. ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एस आई एंड सीजीएस यूनिट शुड बी क्लियर. हाउ डू वी डिफाइन वन जूल? Work done is said to be 1 joule if a force of 1 newton produces a displacement of 1 meter in its own direction. Whereas, agar aapko CJS unit define karni hai, that is erg, to force ke CJS unit kya hoti hai?
वर्ब की तो अर्ग हो गई, फोर्स की क्या होती है? डाइन, डी बाय एनी, डाइन. सो इफ अ फोर्स ऑफ वन डाइन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज सेड टू बी वन अर्ग. सो दैट्स द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS. नाउ अलॉन्ग विद दैट, हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? देखो, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो. फोर्स क्या होता है? MLT-2 मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट. सो इट मेक्स ML2T-2. सो हर किसी को क्लियर रहना चाहिए कि वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज ML2T-2, राइट? ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली बस 2 मिनट और लूंगा आपके, उसमें एक 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 पर्टिकुलर चीज डिस्कस करना चाहता हूं. वर्क डन जीरो के एक दो केसेस हैं, जैसे अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, इफ यू आर क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, आपके ऊपर स्टेयर्स कौन सी फोर्स लगाती है? जो स्टेप्स हैं वो आपके ऊपर लगाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. बी वेरी क्लियर अबाउट योर फंडामेंटल्स. जब भी दो चीजें कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो कौन सी फोर्स लगाती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती हैं, राइट? और कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कॉम्पोनेंट्स माने जा सकते हैं. कौन कौन सा? जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर ये एक सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, तो यहां जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, और जो टेंजेंशियल लगेगी दोनों सर्फेसिस के बीच में दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट को एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. तो सुनिए ध्यान से, जब आप स्टेयर्स पे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं या आप नीचे की तरफ उतरते हैं, तो क्या होता है? व्हेन यू स्टैंड हियर, राइट, इट प्रोवाइड्स यू सर्टेन नॉर्मल रिएक्शन. गॉट इट? अब क्वेश्चन ये है, जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर कुछ वर्क करती है या नहीं? इसके पैरेलल में मैं एक और चीज डिस्क्राइब करूंगा जो आपको समझने में हेल्प करेगा. अलॉन्ग विद दैट, सपोज एक ही बिल्डिंग के अंदर प्रोविजन है लिफ्ट का भी, और आप उस लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं, लिफ्ट का सरफेस भी आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, राइट? आपको जाना है 5th फ्लोर पे. एक तो आप ऑप्शन लेते हैं अक्षय कुमार वाली, लाइक यू गो क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, सो यू आर अ फिट पर्सन, सो यू डिसाइड टू गो बाय द स्टेयर्स. सो यू क्लाइंब अप द स्टेयर्स एंड दे प्रोवाइड नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट लाइक व्हेन समबडी स्टैंड्स इन द लिफ्ट, और वो लिफ्ट उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है और ये ऊपर की तरफ जाता है. तो बच्चों, क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों केसेस में क्या नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क करती है, किस केस में करती है, किस केस में नहीं करती है? सुनना ध्यान से. यहां पर लिफ्ट वाले केस में आपकी बॉडी के ऊपर इसने नॉर्मल रिएक्शन लगाई, और ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ आप ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं. सो यस, नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग सम डिस्प्लेसमेंट फॉर यू. सो वर्क डेफिनेटली इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन यू आर इन द लिफ्ट और एलिवेटर. वेयर एज टॉक अबाउट दिस, आप क्या करते हैं? आप एक पांव यहां पे रखते हैं, दूसरा पांव यहां पे रखते हैं, राइट? अब आप जैसे ही इस वाले पांव को पुश करते हैं, ऊपर वाले पांव को पुश करते हैं, दूसरे को उठा लेते हैं, राइट? आपने ये पुश किया, दूसरा पांव उठा लिया, उठा के ऊपर लेके आए, तो कौन सी फोर्सेस यूज की आपने? क्या स्टेयर्स ने वो फोर्स दी थी आपको, या अपने अंदर जो इंटरनल मस्कुलर फोर्सेस हैं, एनर्जी है, उसको यूज किया आपने? यस, एग्जैक्टली, आपने अपने अंदर की मस्कुलर फोर्सेस को यूज किया इसे पिक करने के लिए. तो यहां पर जहां नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड हो रही थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, आपने उस पॉइंट को छोड़ा और आगे बढ़ गए. सो दैट वॉज टू बी अंडरस्टूड. सो जब आप स्टेयर्स क्लाइंब अप करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर कोई वर्क नहीं करती, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहे होते. ठीक है, मेरे इसको समझाने का एक और दूसरा तरीका जो शायद आपको ज्यादा मजेदार लगे. आप जब 2-3 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो क्या थोड़ी बहुत थकान होती है आपको? ऑब्वियसली हर किसी को होती है, राइट? वो थकान क्यों हुई? क्योंकि आपको अपने अंदर से जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालनी पड़ी. केमिकल एनर्जी निकली तो आप टायर्ड फील हो गए. जबकि अगर वही 2-3 फ्लोर्स आपको लिफ्ट में जाना पड़े तो यार पता भी नहीं चलता. Why? Because no work had to be done by your muscular forces. All of the work was done by normal reaction, right? करते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन, देयर आर अनदर सिचुएशंस. बहुत सारी सिचुएशन होती है, बट ठीक है, कंसाइज करने के लिए आई टेक ऑन टू थ्री मोर सिचुएशंस, जिनसे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि वर्क डन के जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो किन चीजों को ध्यान में रख के किए जाते हैं, स्पेसिफिकली जब मैं जीरो वर्क डन की बात करता हूं, राइट? सो सी, नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर पाई इफ इट कुड प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन और ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन. इट कुड नॉट डू एनी वर्क इफ योर मस्कुलर पावर, योर मस्कुलर फोर्सेज वर यूज्ड.
Now see, let us talk about the concept of centripetal force. What is the work done by a centripetal force? जब भी आप एक circular path के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो यू सिंपली थिंक ऑफ कि भैया यहाँ पे तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस करना पड़ेगा और अगर उसे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आई विल टेक ऑन द एग्जांपल, जैसे आपने सपोज एक वायर के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ एक पार्टिकल को अटैच किया, सपोज आपने पत्थर बांध दिया, उसको स्टोन बांध दिया. स्टोन बांधने के बाद आप यहाँ इसके अबाउट घुमाते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर टेंशन होगी, राइट? टेंशन जो है ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस टेंशन? सी, वर्क डन जब आप डिफाइन करते हैं तो आप नॉर्मली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, राइट, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर ओवर ए डिस्प्लेसमेंट एस अगर फोर्स कॉन्स्टेंट रहती है. यहां पर आप फोर्स को कॉन्स्टेंट नहीं कह सकते, ध्यान रखना इस बात को. क्यों? मैग्नीट्यूड तो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है. जैसे यहां पे देखना, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा तो फोर्स इधर लगेगी, जब इधर पहुंच जाएगा तो फोर्स ऐसे लगेगी. आई होप समझ पा रहे हैं. जब पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा घूमकर ऐसे आकर तो फोर्स इस तरफ लगेगी. तो ऐसे फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, बट सेंटर की तरफ एक्ट करने में डिफरेंट पॉइंट से डायरेक्शंस डिफरेंट बन जाती है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरिएबल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल सच दैट एट एवरी इंस्टेंट इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. आप सब जानते हैं वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है. सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मींस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. हर समय फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर काउंट हो रही है. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो भाई वर्क डन कितना हो गया? जीरो. सो एट ऑल टाइम्स द वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो. आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ी, जो पढ़ लेते हैं उनको रिविजन के टाइम पे काफी हेल्प करता है, कि वर्क डन बाय द फोर्स अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्ट जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो आप खुद सोचो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा उसके ऊपर. सो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से वर्क डन बाय द फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो. सो ये था अगर एक रस्सी के साथ अपने पत्थर बांधा और उसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया. और एग्जाम्पल लेता हूं, अगर एक गाड़ी, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके होते हैं कि अगर एक गाड़ी सर्कुलर टर्न एग्जीक्यूट करती है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके व्हील्स के ऊपर वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न. मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको. सपोज ये है और गाड़ी यहां पे टर्न ले रही है और इस तरफ सेंटर बन रहा है, तो जो फ्रिक्शन है दैट एक्ट्स, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाउ अगेन सी, ये जो फोर्स है ये हर समय वेलोसिटी एंड हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर तो इसका वर्क डन भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ठीक है, और एक एग्जांपल लिया जा सकता है सेंट्रीपिटल के पांडु से, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हम अर्थ के पाथ को, सन के अराउंड अर्थ का पाथ इलिप्टिकल है बट अगर उसे सर्कुलर इमेजिन करें जैसा कि आप बहुत सारी सिचुएशन में करते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है इट्स वर्क डन ऑल्सो कम्स आउट टू बी जीरो. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, सन इज हियर, हर समय जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी एंड हेंस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. सिमिलर एग्जांपल आप ले सकते हैं इन साइड द एटम. एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके रेवोल्यूशन के लिए बिकॉज इट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल. फिर से देखें, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए. द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल का वर्क डन हमेशा जीरो आ जाएगा. ठीक है बच्चों, एक और मजेदार सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आज के लिए. इसमें सपोज कीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिल से जाते हुए आपने ब्रेक्स लगा दी, आपने ब्रेक्स लगाई. एज यू अप्लाई दी ब्रेक्स, आपका जो व्हील है वो व्हील ग्राउंड के ऊपर स्किड करेगा. अगर आपने बहुत जोर से ब्रेक्स लगाई हैं तो जो आपका व्हील है वो ग्राउंड के ऊपर हल्का फुल्का स्किड कर सकता है. सो जस्ट इमेजिन कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाई, फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, आपने ब्रेक्स के ऊपर फोर्स लगाई, उसकी वजह से ग्राउंड ने व्हील के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाई. जैसे ये आगे स्किड करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो व्हील के ऊपर क्या इस फ्रिक्शनल फोर्स ने कुछ वर्क किया या क्या कुछ वर्क ग्राउंड के ऊपर हुआ? तो आपको फिर से क्या सोचना है, देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा.
As the wheel skids, ground does some work on it because there has been displacement of the wheel. तो जो friction है वो backward act करता है. This backward friction is opposite to the displacement of the wheel during its sliding. So negative work is done by the friction on the wheel of the cycle. Got that? जिसकी वजह से heat produce होती है. But क्या उसी समय ये भी कहा जा सकता है कि wheel ने ground के ऊपर work किया? No, not at all. Because there was no displacement of the ground. Ground remains at its own position. तो हर एक को ये clear हो जाना चाहिए. Work done के अंदर force जैसा concept नहीं है कि force applied are equal and opposite. Action reaction pair. When collision takes place, impulses exerted are equal and opposite. Work में ऐसा concept नहीं होता. दो objects में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर equal and opposite work करेंगे. जैसा आपके सामने example है. Got that? चलिए फाइन. इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको समझाता हूं. देखिए वर्क डन जीरो जब आप बोल रहे हैं तो उसी समय दिमाग में एक चीज और आती है कि यार ये इस बात पे तो डिपेंड नहीं करता कि हम कहां से देख रहे हैं. दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं. इमेजिन कीजिए कि ये एक बस के अंदर का सर्फेस है. ठीक है, ये मैं सिर्फ ओपन में शो करूंगा. बस के अंदर का सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉक्स को आपने स्लाइड किया. यू स्लाइड अ बॉक्स हियर. बस इज ट्रेवलिंग अलोंग विद दैट. आपने इस बॉक्स को यहां पे हल्का फुल्का स्लाइड किया. अगर ये बॉक्स हल्का फुल्का स्लाइड हुआ तो ग्राउंड से देखने पर वर्क डन और यहां से इसके अंदर बैठकर देखने से वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा? अब क्योंकि मैंने दोनों का मोशन कंसिडर किया है तो थोड़ा सा आंसर करने में प्रॉब्लम आ सकती है. यानी थोड़ा ज्यादा आपको डीप सोचना पड़ सकता है. लेट मी मेक इट सिंपलर. सिंपलर इन द सेंस कि मैं इस बॉक्स को स्टेशनरी कर देता हूं. भाई आप बस के अंदर बैठे हैं, कोई और वहां पे बॉक्स लाके रख देता है. ये बॉक्स नहीं हिल रहा, स्किड नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. तो आपके अकॉर्डिंग इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बस चल रही है विद सर्टेन वेलोसिटी. तो अंदर वाले जो लोग हैं उनको तो ये रखा हुआ दिखाई देगा. जस्ट लाइक आप जहां भी बैठकर अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू जो आपको स्टेशनरी दिखाई दे रहे हैं. जस्ट इमेजिन कि आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं या फिर बस के अंदर बैठे हैं जहां पे इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं. तो आपको तो वो रेस्ट पे दिखाई देगा. आपके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है या उसके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है. अब मैंने फ्रिक्शन की बात क्यों की? जस्ट इमेजिन जैसे ही ये ट्रॉली आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर रखा हुआ जो बॉक्स है वो पीछे स्लाइड करने की कोशिश करे. अगर ये बॉक्स पीछे स्लाइड करने की कोशिश करता तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगता है? आगे की तरफ. बट यस, उसके लिए मुझे यहां पे वेलोसिटी के साथ साथ कुछ एक्सेलरेशन भी इमेजिन करना पड़ेगा. So, अब वन लास्ट टाइम आई पुट दिस example इन फ्रंट ऑफ यू. देर इज अ बॉक्स इन साइड अ बस. नाउ बस एक्सेलरेट्स. एज द बस एक्सेलरेट्स, दिस बॉक्स हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बैकवर्ड. एज द बॉक्स हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बैकवर्ड, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर ये यहां पे स्किड नहीं होता, फ्रिक्शन सफिशियंट है जो इसको यहां पे रिलेटिवली स्लिप नहीं होने देता, तो अंदर से जो भी देखेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है फोर्स होने के बावजूद भी. सो इस फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आ गया? बिग जीरो. बट समबडी हु वॉचेस दिस थिंग फ्रॉम ग्राउंड, वो क्या देखता है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बस, उसको ये बॉक्स स्टेशनरी दिखाई नहीं देगा. आप देखते हैं एक लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो उसके अंदर जो लोग खड़े हुए हैं वो भी तो आपके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे जा रहे हैं ना. ऐसे ही बस के अंदर रखा हुआ ये बॉक्स भी इसके लिए आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है. अगर ये बॉक्स आगे ट्रेवल कर रहा है तो इसको ट्रेवल करवा कौन रहा है? किसी एक्सेलरेशन से बस आगे जा रही है, उसी एक्सेलरेशन से बॉक्स आगे जा रहा है. तो इस बॉक्स को लेके कौन जा रहा है? कोई फोर्स तो चाहिए. कौन सी है वो फोर्स? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो फॉर समबडी आउटसाइड, अगर बस की डिस्प्लेसमेंट एस हुई तो बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट भी एस हुई, और उस डिस्प्लेसमेंट के टाइम इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी? फ्रिक्शन की. तो बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा. तो यहां से मैंने क्लियर किया, अगर आप बस के अंदर बैठ के देखेंगे तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, और ग्राउंड से देखेंगे तो फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा बिकॉज उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है. फाइन. तो आज मैंने कुछ कांस्टेंट फोर्सेस के एग्जांपल्स लिए, एक्सेप्ट यहां पे सिर्फ ये डिस्कस किया कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये एक वेरिएबल फोर्स थी. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वेरिएबल फोर्स का डिस्कशन करूंगा एंड इफ पॉसिबल विल टॉक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम. तो आज के लिए अभी इतना ही. I'll come up with the next concept. छोटे छोटे videos बना के आपको मैं entertain करता रहूंगा, knowledge बढ़ाता रहूंगा. And as I told you, I need your support. You need to, you know, subscribe and like my channel so that we can, you know, send these things or, you know, make these things available for whole lot of people.
थैंक यू वेरी मच।